वाह जी बाबा जबरदस्त वीआईपी। मुंह में पानी आ रहा है तो खाना आपने है ना दोनों पकड़ा। तो ये बेटा आपके लिए बनाया, खाएं आप जितना जी करता है खाएं, आप दोनों के लिए बनाया, आप रात रो रहे थे ऐसे ही। माशाल्लाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसे फेरो यार नीचे आके दही दे दे हमें, मिर्ची ये सारी डालनी चरका बन लगा आज। ये देखें जी पापा मुर्गी चील रहे हैं। माशाल्लाह जी मसाला जा सारे आ गए हैं। ये है जी नमक सुरख मिर्च, मसाले लगे हुए हैं इसको। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप भी ठीक होंगे जहाँ मेरे खुश रहें, बात रहे फूल की बरहत से मुस्कुरा रहे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मना है, लेकिन मेरे लोग जो मेरे चैनल पर नहीं हो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी को दबा दें। तो चलते अपने ब्लॉग की तरफ, आपने हमारे साथ साथ रहना। आज जुम्मत मुबारक का दिन है, आप सब बहन भाइयों को बहुत बहुत जुम्मे मुबारक हो। तो ब्लॉग की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स मैं दुकान पर पहुँच चुका हूँ, सुबह सुबह दुकान में बैठा हूँ। मेरे को बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ट्रेन भी गुजर रही है, साथ में ट्रेन की आवाज़ भी आ रही है। नाश्ता बनाते हुए ना किचन में वो धुआं वगैरह पड़ता है ना पराठे वगैरह का या घी का, तो फिर मुझे ना एलर्जी हो जाती है, तो फिर बहुत तबीयत खराब होती है मेरी खांसी वगैरह से। अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत का सुनाए हाथ तबीयत ठीक है? मौसम माशाल्लाह ठंडा हो गया। ठंडा माशाल्लाह, सुबह सुबह ना रात से बारिश हो रही है फैसलाबाद साइड पे, महसूस हो रहा है सुबह सुबह। बच्चे गए ना तो वो बताते कि टोबे के आगे इतनी बारिश थी, टोबे से आगे तूफान आया हुआ था बारिश का, सालगा बाद में भी हुई है कल, अपनी भी बारी आना भी है। चलो आ जाएगी बारी तो वो भी हम भुगतेंगे। बच्चों को चीज दें, आप बच्चे जा रहे हैं स्कूल, ये नन्हे मुन्ने बच्चे सारे। रति कार वालिया मैं पूछा तेज ले हाँ, स्पेशल पजारो घास पट्ठा लेने जा रहे मवेशियों के लिए चारा वगैरह। आज सलीम भाई और मैं धूप का मजा ले रहे हैं, दुकानों पे बैठे हुए हैं, दुकानें खोल के ठंडी हवा चल रही है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हाँ जी आज मौसम ठंडा है, बहुत सारा ठंडा, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। कितना मज़ा आ रहा है, बहुत सारा। चलो वो दुकान पर जाओ, वो बच्चा आया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है, आ रहा अभी आ रहा है। चीज दें बच्चे, मौसम ठंडा हो गया काफी सारा, फैसलाबाद में तो बारिश हो रही है। भाई सलीम लड्डू खिला रहा है, पीले पीले लड्डू। सवेर का खाने का कम नहीं पीता, लड्डू खा रहे हैं। नहीं भाई मैं दुकान बंद करने लगा हूँ, ठीक है, क्योंकि आज जुमा भी आया और फिर खाने पीने का भी इंतज़ाम हमने खुद ही करना है। सही है, चौक पे जाऊँगा कुछ सब्ज़ी वगैरह लेके आऊँगा, फिर उसको पकाएंगे खाएंगे ऐश करेंगे और क्या। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा? मैं जी घर पहुँच गया हूँ, मुझे लगता अबू जी मुझे देख के साफ करने लगे हैं। क्या कहता था? बहुत फराडी हो, बहुत फराडी हो, झाड़ू लगाया? अच्छा चले साफ कर लें इसको अच्छे तरीके से, ऊपर नीचे सारी मट्टी निकालें इसकी, ठीक है। इसके रिमों को भी साफ करना है, व्हीलों को भी। हाँ जी पिछले टूल का ताला लगाना है, बहुत आवाज़ करता। तो व्यूअर्स आपको पता है जी, जब घर में बच्चों की माँ ना हो ना तो फिर बच्चे बहुत जिद करते हैं और बहुत रोते हैं। तो ऐसा ही काम आज ना हमारे हम कर रहे हैं, मैंने इनको ना कभी इतना मोटरसाइकिल नहीं दिया, तो आज ना तकरीबन एक घंटे से मोटरसाइकिल लेकर ही गली में घूम रहे हैं, इसलिए मैंने इनको कुछ नहीं कहा भी, ये ना रोना शुरू हो गया ना फिर चुप नहीं होंगे। अभी कहते हैं जी हमने जाना है बाज़ार, वहाँ से हमने लेके आना है चिकन, और चिकन का हमने बनाना है स्टीम बना के हमने खाना है, तो वो हमने बना के खिलाएं। तो अभी मैं बाज़ार जा रहा हूँ तो वो लाएँगे चिकन, तो आपने हमारे साथ साथ रहना। नहीं आपको शर्म नहीं आती? कब से निकले हुए मोटरसाइकिल लेके आप? फिर क्या हुआ क्या मतलब? भी ले रहा था। भी उतरे ताला लगाए,
तो बाजार का लेने जाना आपने? बाजार क्या करने जाना है? मछली लेने जाएंगे या गोश्त लेने जाएंगे? क्या मछली या गोश्त? मछली या गोश्त? छीतर लगाऊंगा तुम्हें, दोनों को जूते लगाऊंगा आज। तुम दोनों ने पेट्रोल खत्म किया। हाँ जी आप राजी हो? मुर्गी ले ली है रेहान ने। इधर आए, मछली लेनी कि मुर्गी लेनी है? मुर्गी ले ली है बस। मुर्गी लेनी है, पकड़ो इसको। एक उधर से पकड़े खींचना नहीं है इसको। ऊपर करो यार, ऊपर करो ऐसे। बहुत खुश हो रहे हैं। मिनार स्वीट्स पे आए हैं तो चौधरी इमरान वो देखो ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है, दही नहीं दे रहा। यार नीचे आके दही दे दे हमें। आ जा नीचे, आ जा थले, आ जा दही दे दे दही। वो आ जा यार दही दे दे। मलक नवीर साहब से हमने जी ले लिया हरी मिर्च, ये सारी डालनी है बेटा इसमें? मुर्गी में सारी डालेंगे। और जी ठीक है? हाँ जी आज बन रही है जी, मुर्गा बन रहा है जी, मुर्गा चरगा बन लगा आज। चले ये देखें जी पापा मुर्गी चील रहे हैं। जी हमने आज बनाना है जी, हाँ की फरमाइश पे भाग है जी, पता नहीं क्या बनवा रहा है आज। चरगा आज चरगा टिक्का चरगा। मुर्गी जो मुर्गी को जी अच्छे तरीके से धो लिया है, वो कपड़े भी खा गए इसके। दिल दिल धक धक नहीं कर रहा? नहीं क्यों, आधे घंटे बाद तो करता है ये, आधे घंटे तक। ये मुर्गी का है। मुर्गी जी हमारी बन गई है, इसको अच्छे तरीके से वॉश कर रहे हैं अब। हम जिसको कट लगा रहे हैं, ऐसे ठीक हो गया जी। जी जी अब जी लेग पीस को कट लगा रहे हैं। बेटा नमक लेके आए, पहले नमक थोड़ी देर नमक लगा के रखेंगे। अच्छा फिर इसको मसाले लगाएंगे। हां जी नमक ले आया हूं मैं, अब इसको नमक लगाने लगे हैं। थोड़ा सा जी इसको नमक लगाएंगे ताकि ये तीखा तीखा हो जाए काम। ये 5 मिनट पड़ी जाएगी फिर इसके बाद इसको धोएंगे। ठीक है ये भाई लहसुन छील रहा है, लहसुन है और पाई जन मिर्चें कूट रहे हैं। आपकी आंखों में ना डल जाए, इसने मेरे पीछे कर लिया। अच्छा इसके आंखों में ना डल जाए ना मिर्चे। चलिए आप काटें। ओ क्या नाम, मैं नहाने लगा हूँ, जुम्मे का टाइम भी होने लगा है। मसाला जी लगाने लगे हैं इसको लेट। मसाले ज्यादा हो रहे हैं, ये मसाले डाल लिए। माशाल्लाह जी मसाला ज्यादा सारे आ गए हैं। ये है जी नमक, सुरख मिर्च, हल्दी और तिक्का मसाला। ये आ गया चिकन हमारा 1 किलो 200 ग्राम, और ये आ गया दही, लहसुन अदरक का पेस्ट और सब्ज़ मिर्च। इसको मैं अब मैरिनेट करके रखूँगा तो आपको दिखाते हैं मसाले बना के। दही आ गया, मसाले मैंने दही में डाल दिए जी, और 1 चम्मच ही भर कर मैं इसमें डालूँगा सब्ज मिर्च का ऐसे, और ये लहसुन अदरक सारा डाल दूँगा। लहसुन अदरक का पेस्ट ठीक है। फूड कलर वगैरह हमने इसमें कोई इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि हमारे पास कोई भी फूड कलर यहाँ पे मौजूद नहीं है इस वक्त।
मैं जरा इसका नमक चेक करूं। नमक दे मुझे। देखा? अंदर उल्टा कर। और नमक ही डेली कर सकते हैं। सब मिक्स हो जाएगा। चलें जी, मैं दूध को देख कर आता हूँ। जी दूध उबालने के लिए रखा हुआ है, अभी तो ये गर्म ही नहीं हुआ। ये अभी ठीक है, चलो ये भाई थोड़ा सा और डालूंगा इसमें बस। ये देखिए जी भाई भी नहा कर आ गया। कान में साबुन ऐसे ही है, कान का लगाया था ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा, ये देखिए जी, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। हुन पे आवन गया चसा जी। ऐसा ही ना चिकन जो है ना हमारे हाथ में आते तो जहां है ना, जब गैस लगी थी। हां जी, मैं कह रहा था मैंने ऐसे वाली बॉडी खानी है, ऐसे वाली। अब आज भी वही बन रही है, दो बार बनाई है हमने ये बोटी। एक बार पहले बनाई थी जब हमारे गैस लगी थी, और आज चलो एक टांग रह गई है। दूध देखा है, चलो जी बाद में देख लेना, आप देख लेना बस। नहीं ये तैयार हो गई है थोड़ी, मैं इसको मैं रखूंगा तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में, तब तक हम नहा लेते हैं। मैं नहा रहा हूं, तैयारी कर लूं। हमारा एक बजे जान होगी और साढ़े एक बजे जुम्मा शुरू हो जाएगा, है ना भाई? ठंड लग रही है। हाँ जी, लेके आ रहा है मुर्गी। गैस नहीं है, दूसरा चूल्हा बालना पड़ेगा। गैस नहीं है जी, इस चूल्हे पर चेक करें, वो उस पर नहीं आती। नहीं है। मुर्गी चली गई है, अब सिलेंडर पे बनाएंगे मुर्गी। मुर्गी ये पड़ी हुई है, मसाले लगे हुए हैं इसको सारे, उसमें घी डाल के इसमें डाल देंगे, फिर दम दे देंगे इसको, फिर अपने आप पक जाएगी। हाँ जी, इसमें जी सिर्फ एक चम्मच घी डालेंगे। हाँ जी, ध्यान कहता है आधा किलो। अब इसमें डालेंगे मुर्गा। पकड़े जी, चल ध्यान पकड़े इसको। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज जुमा का टाइम हो गया, नहा के तैयारी शारी कर ली है, बच्चे चले गए जुमा पढ़ने के लिए, मैं भी अभी जा रहा हूँ। तो चिकन हमने रखा हुआ है डिचकी में, तो वो अभी बन रहा है। इसको दम दिया है, वो ऊपर मैंने कपड़ा दिया हुआ है क्योंकि इसका ढक्कन ठीक नहीं था। नीचे बिल्कुल हल्की आँच जल रही है, देखें बिल्कुल ही हल्की। ये हम जुमा पढ़ के आएंगे, जितनी देर में उतनी देर में इंशाल्लाह ये तैयार हो जाएगी। हम जी चटनी बना रहे हैं। महंगी बन रही थी चटनी, नमक डाला भी मैंने, चम्मच पकड़ा मुझे, फिर मैं पकड़ा लेता। अच्छा, ये हरी मिर्चें पड़ी हैं, ये दही है, सब्ज मिर्च। सब्ज मिर्च कितने की डाले हैं मिर्च? हिसाब से डाल दें, तीखी हो या हल्की हो? तीखी कर लें। चटनी बन गई है, नमक कम है। मजेदार चटनी तैयार हो गई जी, मजेदार। हल्का सा नमक कम है, बस मेरी थोड़ी सी और डालूंगा इसमें मैं ना।
क्योंकि हमारे पास सालन जो है ना उसमें इतनी मिर्च नहीं है। अच्छा हाँ जी जी चलें जी वो रख दें जाकर फ्रिज में। अच्छा जी तैयार हो गया हमारी मुर्गी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह की शान है जी। ये देखें जी एक पीस ये आ गया जी। हाँ जी एक लाख पीस हमारा नीचे गिर गया था और दो लाख पीस नीचे गिर गए हैं बाबा। माशाल्लाह इधर दिखाएं यार उधर किधर देज की आप दिखा रहे हैं। अच्छा जी ये ले ये देखें जी माशाल्लाह जी हमारा चरखा तैयार हो गया जी, जी। स्टीम रोस्ट हमने बगैर इसको ना तवाई के बनाया है तला नहीं हमने की और जो मैंने एक चम्मच घी डाला था उसमें से वो ऐसे ही वो ये पड़ा। चलिए जी अब अंदर लेकर वाह और पैसे भी दे केचप भी ले आए। केचप क्या करना केचप के साथ केचप के साथ खाना जी। हाँ जी कैसा लग रहा है जी ठीक है क्या ठीक लग रहा है। देखो जी माशाल्लाह जी चरगा बन गया जी बड़ा जबरदस्त हमने बनाया है हाँ जी, खुद बनाया हमने मदद भी नहीं किसी की। हाँ जी मदद किसकी लेनी थी बेटा वो बड़ी आप इधर हो जाए जी। अब आपका वो जो ख्वाब था वो ऐसे करके खाने वाला पूरा हो गया गिराना देना नीचे ठीक है। माशाल्लाह जी बहुत जबरदस्त और मजेदार बनी है बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। अभी नहीं खाया खानी है अभी देखें रात को फिर क्या खाएंगे अगर रात को फिर ऐसे ही खाएंगे। चलें जी ये देखें जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत दे खानों में जिसमें भाई ने खाना हो ये चरगा जल्दी आ जाए जल्दी कोई किसी को रोक टोक नहीं है हर कोई आ सकता है खाने के लिए। तो माशाल्लाह जी बेगम नहीं है घर इधर आ जाए भी हमारे आप इधर आ जाए जब तक पहुंचना है तब तक बेगम घर नहीं है तो हमने देख रहे जी फिर कैसे यशियां मार रहे हैं यशियां। हां जी मम्मा जब देखेगी मम्मा कहेगी तुम्हारी मम्मा डंडे लगाएगी तुझे लगाएगी मैं तो भाग जाऊंगा ऐसे ना जी इधर करें बेटा कैसा लग रहा है ये आपको आज बहुत अच्छा मुंह में पानी आ रहा है मुंह में पानी आ रहा है तो खाना आपने है ना दोनों पकड़ा। तो ये बेटा आपके लिए बनाया खाएं आप जितना जी करता खाएं आप दोनों के लिए बनाया आप रात रो रहे थे ऐसे ही हैं मैं तो चुप कर गया आप भी रो रहे थे दोनों रो रहे थे सुबह भी इसका मूड खराब था। अच्छा चलो कोई बात नहीं मूड खराब सुबह थोड़ा साथ हो जाए देखो जी ये देखें जी ये देखें माशाल्लाह बहुत जबरदस्त आप देख लो फिर असि कैसा जनाब असि फिर अपना सिस्टम बनाया ये देखो ऐसे और मनाहिल और माशाल्लाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसे मेरा नीचे नहीं कराना कपड़े भी नहीं खराब करने ये गिर जाएगा नीचे रोटी के साथ खाओ मजा आया देखे। अच्छा जी रोटी खानी है आपने क्यों मुझे तो खानी है। अच्छा अब जी पप्पा खा रहे हैं। हाँ जी अब मेरी बारी है जी नजदीक माशाल्लाह जी बड़ा मजा आ रहा है जी बहुत जबरदस्त समाद हाँ जी मजा आ गया खाना खाने का चस आ गई है इन्हें चस आ गई है मैं आई कि छड़ लगा दे मम्मा जो गई हुई है फिर तो चस आनी है। वो कहते हैं ना कभी तो पेके जा नहीं बेगम आवे खाने का स्वाद नहीं बेगम आपे पकाइए तो आपे खाइए तो बड़ा मजा आता है। हमने खा लिया खाना आवे आ जाओ इधर खाओ आहा वाह जी बाबा जबरदस्त वीआईपी शहजादे जी शहजादे मेरे शहजादे मुंह तो मैं दिखाओ यार अपने शक्ल तो दिखाओ मेरे शहजादे मेरा लाडला बच्चा रेहान का मूड खराब है जी इसकी मम्मा गई है शादी पे तो इसका मूड खराब है आ जाएगा हम चलेंगे इंशाल्लाह जल्दी चलेंगे हम मामू के घर चलेंगे ठीक है हम चलेंगे मामू जुल्फकार के घर तुम मैं और हमाद तीनों चलेंगे फिर इनको घर छोड़ के जाएंगे ठीक है हाँ हाँ वादा रहा चलेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी तो रोते नहीं है दलेर है तो मेरा शेर बब्बर शेर है बब्बर शेर है मेरा बब्बर शेर है हंस के दिखाना एक बार तो हंस के दिखाना एक दफ़ा तो हंस के दिखाना एक बार तो हंस के दिखाओ ना बाबा को
चलो।